स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीलास किचन में। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बिल्कुल बाजार जैसा बनने वाला है। एक एक लेयर्स खुलकर आएंगी। बहुत ही आसान से टिप्स दूंगी जिससे बहुत ही अच्छा सा बनेगा क्रिस्पी लच्छा पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच सूजी, नमक स्वाद अनुसार, रिफाइंड तेल 2 छोटी चम्मच, घी पराठे सेकने के लिए। सबसे पहले डो बनाने के लिए हम मैदा को छान लेंगे। सूजी डालेंगे, नमक और एक नॉर्मल आटे का जैसा डो बनाते हैं वैसा ही डो बनाएंगे। अच्छे से मत के गूंदे इसको। अभी इसमें थोड़ा सा तेल डाल के रख देंगे इसे। अब इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए ढककर। 5 मिनट हो गया, रेडी हमारा आटा। इसमें हल्का सा एक बार मैश करेंगे दोनों हाथ से और इसका डो तैयार। ये देखिए इतना मोटा लेंगे और इसमें सूखा मैदा लगाकर इसे बेलेंगे। हल्का मैदा डस्ट करते रहिए आप बीच में, बिल्कुल पतला बेलना है आपको इसे। चारों तरफ से घुमाते हुए देखिए बिल्कुल पतला बेल लिया है हमने इसे इस तरह से। अब हम इसमें चारों तरफ से घी लगाएंगे। आप चाहे तो तेल लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। अब हम इसे पिज्जा कटर की मदद से काट लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो एक नाइफ से भी काट सकते हैं। हमने चारों तरफ से इसे काट लिया और इसे इस तरह से एक साथ करते रहेंगे एक नाइफ की मदद से। हमने एक तरह से कर लिया, अब इसे हल्के हाथ से उठा लीजिए। अब एक जूड़ा बनाते हैं, उस तरह हमें इसे यहाँ से स्टार्ट करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसका नॉट लगाना है और बस हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे बढ़ाना है। इसे बेलना नहीं है। इस तरह से ये पराठा हमने बढ़ा लिया है।
अब हम इसे तवे पे डालेंगे। इसे दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे से सेकिए। इसे पलट के ये देखिए, इसे दबाते हुए सीख के ताकि अच्छे से इसका अंदर तक आराम से सीख जाए। दोनों तरफ अच्छे से घी लगाइए, घी लगा लगा के सेकिए इसे। ज़्यादा हाई फ्लेम में मत सेकिएगा, थोड़ा मीडियम में सेकिए क्योंकि ये मोटा रहता है, इसे अंदर तक सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे हमेशा सिम गैस में करिए, और अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे हल्का हल्का पहले सेक कर रख सकते हैं, फिर इसे बाद में और थोड़ा घी या बटर लगा कर सेक कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पराठा को सेकने में टाइम लगता है। तो आप इसे हाफ रेडी करके भी रख सकते हैं ताकि गेस्ट आए तो आप झटपट उन्हें सर्व कर सकें। तो लच्छा पराठा सेक कर तैयार है, हम इसे सर्व करते हैं। लच्छा पराठा बनकर तैयार है, देखिए बहुत ही अच्छे से सिका है। ये देखिए कितनी इसकी लेयर्स एक एक करके खुल के आ रही है, और टेस्ट में भी उतना ही लाजवाब। जिस किसी अच्छी ग्रेवी की सब्ज़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, और आपको बहुत सारी तारीफ़ें मिलने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप भी अपने घर में बनाइए इसी तरह लच्छा पराठा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।